नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। इस प्रोग्राम के जरिए हम तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियों पर चर्चा करते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर हमारे साथ मौजूद रहते हैं ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आरपी पारशर, जो कि आयुर्वेदा एक्सपर्ट है, सीएमओ है आयुर्वेदा के, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। सर, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि आयुर्वेदा, लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदा में इलाज स्लोली स्लोली है लेकिन जड़ से खत्म होता है। लोगों को पता है लेकिन लोगों को इंस्टेंट इलाज चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक मिथ्या धारणा है लोगों में जी कि आयुर्वेदा में लेट इलाज होता है। एक्चुअल में लोग आते ही हमारे पास देर से हैं। पहले लोग एलोपैथी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, धक्के खाकर हमारे पास आते हैं, तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है जी। तो जब आपकी बीमारी बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि इलाज में टाइम भी ज्यादा लगेगा। जो लोग सीधे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आते हैं उनका इलाज भी जल्दी होता है। बिल्कुल। तो ये दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है सिर्फ कि आयुर्वेद में इलाज लंबा चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा हम बात करेंगे मोटापे पे, क्योंकि आजकल देखिए एक लाइफस्टाइल जो बना हुआ है इसमें मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यंगस्टर्स में भी मोटापे के वो शिकार हो रहे हैं, जो 40 क्रॉस कर चुके हैं वो भी मोटापे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो भी कई बार मोटापे के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं। तो मोटापा होने का कारण क्या है सबसे बड़ा? देखिए, मोटापे का कारण ये है कि हम ज्यादा कैलोरी का भोजन खाते हैं जी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी कैलोरी आप कंज्यूम करें उतनी बर्न कर लें। लेकिन हो क्या रहा है, हम कंज्यूम तो खूब सारी कैलोरी करते हैं जी। और बर्न करते नहीं है। क्या मतलब कि खाने में हमें जितना खाना चाहिए उससे हम कई गुना ज्यादा खाते हैं, लेकिन बर्न करने के नाम पर ना हम एक्सरसाइज करते हैं ना हम वॉक के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मोटापा बढ़ेगा ही जी। एक जो मोटी सी बात यहां पर है कि क्वांटिटी में तो हम ज्यादा खाते ही हैं, जिसके हिसाब से हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉकिंग नहीं करते, हम जिमिंग नहीं करते, लेकिन जो क्वालिटी है खाने की उसमें भी हम जो खाना ले रहे हैं वो वसा यानी फैट उसमें बहुत ज्यादा होता है जी, शुगर बहुत ज्यादा होती है, नमक बहुत ज्यादा होता है, जबकि कम अगर हमें अपना वजन रखना है, मोटापा खत्म करना है, मोटापे से बचाव करना है तो हमें ऐसा भोजन चाहिए जिसमें फैट अच्छी क्वालिटी का हो जी। आजकल मार्केट में हम जो खाना खाने जाते हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और वो फैट भी इस क्वालिटी के होते हैं कि जो इजीली हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऊपर से जो पैकेज फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस फूड है, रेडी टू ईट फूड है, उन सब में खाने की जो क्वालिटी है वसा की, नमक की और शुगर की, तीनों ही मात्राएं ज्यादा होती हैं। तो हमें डेफिनेटली पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम बाहर खाएं या एक घर का स्वस्थ खाना खाएं, ये सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। हमारा लाइफस्टाइल है और जो हमारी फास्ट लाइफ है वो बहुत ज्यादा असर डाल रही है हमारी बॉडी पर, जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं जी। ये कहा जा सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्मार्ट लाइफ है, स्मार्ट लाइफ का हम ये अर्थ बिल्कुल ना लगाएं कि भाई अगर दोनों मियां बीबी अगर वर्किंग है, टाइम कम है तो रोज बाहर से खाना खाएं या रेडी टू ईट फूड खाएं, प्रोसेस्ड फूड खाएं, जंक फूड खाएं। उसका भी तरीका है, अगर समय हमारे पास कम है तो हम एक या दो टाइम फल खाएं, जूस पिए, दूध पिए जी। तो आपको समय की जहां तक बात है कि भाई हम समय हमारे पास कम है, खाना पकाने का हमारे पास समय नहीं है, तो उसका सीधा सा तरीका यह कि हम एक टाइम या दो टाइम, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट हम फल कर सकते हैं, हम जो डिनर है उसमें फल ले सकते हैं, एक दोपहर का भोजन हम जो है रोटी
और चावल वगैरह जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उस पे रख के, तो भी हम स्मार्ट लाइफ ही जिएंगे, पर वो एक हेल्दी लाइफ रहेगी साथ, ये कहना है डॉक्टर। इसके अलावा देखिए अगर मोटापे की हम बात करें तो कई बार देखिए एक्सट्रीम मोटापा हो जाता है जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, कई बार सांस फूलना, अगर आप स्टेज चल रहे हैं तो आपको दिक्कतें होती हैं, जरा सा आप वर्कआउट कर ले तो आपको परेशानियां होती हैं, तो इसके अलावा गंभीर बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं अगर आप मोटापे के शिकार बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो? देखिए मोटापा तो बीमारी का घर है, बीमारियों की जड़ है जी। आपका लीवर फैटी हो जाएगा, लीवर सिरोसिस होगी, उसके बाद आपकी किडनीज पे असर आएगा, आपके जो बाकी फंक्शंस हैं, क्योंकि जब एक बार आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आप फैट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके खून में जाकर मिलेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके ब्लॉकेज होगी, आपको दिल की बीमारियां होंगी, हार्ट अटैक हो सकता है, तो ये सारी की सारी दुष्परिणाम फैटी खाने से हमारे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेदा में इसको लेकर क्या कुछ मेडिसिन है, क्या कुछ इलाज है? आहार और विहार दो चीजों पर हम फोकस करते हैं। तो आहार जो हम भोजन की बात कर ही रहे थे उसमें हमें देखना यह है कि हम कम कैलोरी वाला भोजन खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें जी। आपका समय कम है, आप बाहर पार्क में नहीं जा सकते तो आप कमरे में ही जॉगिंग कर लें, कमरे में ही और एक्सरसाइज कर लें, अदरवाइज आप पार्क में जाएं, आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, वो और जो फिजिकल एक्टिविटी है, आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वो हम खेल सकते हैं। आप घर में अगर हैं और समय जैसे मैंने बताया कम है तो फिर आप घर में भी जो है ना इंडोर जॉगिंग और एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, शरीर को आगे पीछे घुमाना, योगा है, प्राणायाम है, कपाल भांति है, अनुलोम विलोम है, वो सब आप घर पे कर सकते हैं अगर पास समय कम हो तो, और समय थोड़ा सा निकाले, क्योंकि सीधी बात है अगर हमने जिंदा रहना है जीवन के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा जी। वो आप अपना चाहे सोशल मीडिया से आप उस समय को काट के निकालें या आप अपनी दिनचर्या में से निकालें, जीवन के लिए, अपनी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। हम ये कहकर अपने आप को धोखा नहीं दे सकते कि मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए आयुर्वेदा पर बहुत फेथ लोग करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और आजकल ये ट्रेंड भी चल गया है कि लोग एलोपैथी से हटकर अब आयुर्वेदा की तरफ, ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कॉफ़ी भी लोग पी रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, इससे क्या बहुत ज़्यादा बॉडी को फायदा मिल सकता है? देखिए ऑर्गेनिक में चूंकि हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स से बचे रहते हैं तो इसका सीधा सा एक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कम जाएंगे और हम टॉक्सिन फ्री फूड खा सकते हैं, ये हम मानकर चलते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, भाई नींबू पानी है, सुबह उठ के हम अपनी दिनचर्या में बना लें कि हमने गुनगुना पानी एक नींबू डाल के पीना ही पीना है जी। रात को हम त्रिफला भिगो के रख दें, सुबह वो त्रिफला वाले पानी पिए, ये शरीर की शुद्धि करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन तो करते ही हैं लेकिन क्लींसिंग भी करते हैं, जो फैट हमारे बॉडी में चला गया है उसको डिसॉल्व भी करते हैं ये चीजें। इसी तरह ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, ये भी वही काम करती हैं कि जो हमारे बॉडी में फैट गया है उसको कोलेस्ट्रॉल में ना बदलेंगे और हमारा खून गाड़ा ना ब्लॉक का जैसी स्थिति, हार्ट अटैक जैसी स्थिति। बिल्कुल, आपने बॉडी डिटॉक्स की बात की है कि बॉडी का डिटॉक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल बहुत सारी ड्रिंक्स के लेकर लोग यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं और वो ड्रिंक्स बनाते हैं, वो पीते हैं बिना डॉक्टर के गाइडेंस के, सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर ऐसी दवाइयां लेना, ऐसे ऑर्गेनिक फूड को खाना, ऐसे ड्रिंक्स बनाकर पीना, कितना सही हो सकता है? देखिए आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत है वो ये कि हर दवा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। क्यों? हमारा शरीर पांच भौतिक शरीर है और उसमें तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ जी। शरीर में सारे के सारे पदार्थ भी इन पंच महाभूतों से ही बना होता है
और द्रव्य जो हम खाते हैं पीते हैं दवाई उनमें भी ये वात पित्त कफज तीन प्रवृत्तियां होती हैं। तो जो दवा वातज प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए सही है वो कफ वाले के सही नहीं हो सकती, जो कफ वाले के सही वो पित्त वाले के लिए सही नहीं हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद का तो सीधा सा चिकित्सा का सिद्धांत है, हम पहले व्यक्ति की प्रकृति को जाने, वातज है पित्तज है कफज है कि दो दोषों से बनी है या तीनों दोषों से बनी है, कौन सा दोष प्रधान है, उसके अनुसार हम दवाई का चयन करते हैं। तो अपने आप दवाई लेना वो तो खतरनाक है, बिल्कुल साफ साफ बात है, चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाई ले, चिकित्सक की सलाह के बगैर आप खुद डॉक्टर बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बहुत साफ संदेश हमारा है जी। डॉक्टर इसके अलावा देखिए कहा जाता है कि जब आप आयुर्वेदा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं जिससे आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं और मोटापे को कम कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है, हमारा किचन ही हमारा क्लिनिक होता है कम से कम 75% तो मैं कहूंगा। हमारे घर में मेथी है, दालचीनी है, जीरा है, ग्रीन टी और ब्लैक टी पीते हैं, ये सारी की सारी चीजें मोटापा घटाने वाली है, मोटापा कम करने वाली है। इसके अलावा अगर हम और थोड़ा सा चले जाएं तो दवाई की अगर हम बात करें तो त्रिफला जो है इसमें भी हमारे घर में हम त्रिफला आमतौर पर यूज करते हैं बहुत सारे कामों के लिए। आंवला उसका एक प्रमुख घटक है, आंवला हरड़ और बहिड़ा तीन चीजें उसमें होती हैं। तो हरड़ हम घर में रखते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो पहले हमारे सबके किचन में होती थी वो। आंवला एक अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होने के साथ साथ वो विटामिन सी और इन सब चीजों से भरपूर होता है, तो ऐसी चीजें हम अपने किचन में रखते हैं, अगर हम उनका ही प्रयोग करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्लीन रहेगा और हमारी जो अग्नि है, क्योंकि अग्नि का कॉन्सेप्ट जो वो आयुर्वेद में बहुत क्लियर है कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अग्नि एक प्रमुख तत्व के रूप में काम करती है। अग्नि को आप इस तरह समझे कि एक फायर एलिमेंट है, सात धातु हमारे शरीर में मानी गई हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, एक धातु से दूसरी धातु बनती है। रस प्लाज्मा यानी जो हम कुछ खाएंगे वो सब कुछ हमारे पेट में डाइजेस्ट होगा, फिर वो सूक्ष्म अंश हमारे खून में जाके मिलेगा, उससे रक्त धातु बनेगी यानी ब्लड। रक्त के बाद आता है मांस हमारी मसल्स, उसके बाद मेद यानी फैट, फिर अस्थि यानी बोन और फिर मज्जा यानी बोन मैरो, तो एक से दूसरी धातु बनती है। अब अगर हमारी जो रस धातु की अग्नि है जो फायर एलिमेंट है अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो कमजोर हो गया है, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं है तो हमारे शरीर में आम बनता है म्यूकस जिसको बोलते हैं, और वो टॉक्सिन्स पैदा करता है, टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो जो टॉक्सिन वो पूरे शरीर में जाएंगे और वो हमारे शरीर में अनेक तरह के बीमारियां पैदा करेगा। तो हमने अपने फायर एलिमेंट को कम नहीं होने देना, मंद नहीं होने देना है। मैं आपको सबसे खतरनाक चीज की तरफ ले जाता हूं जी। आजकल बच्चे फास्ट फूड खाते हैं और पिज्जा वगैरह खाते हुए आपको एक कॉम्बो दिया जाता है पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक जी। ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मतलब हमारे बच्चे हमारे युवा इस कॉम्बो के चलते बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक तो पहले आपने एक्सेस फैट लिया है, घटिया क्वालिटी का फैट लिया है, ऊपर से क्या किया आपने कि ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो जो घुलना चाहिए था फैट वो जम जाता है, वो बहुत फैटी सेल्स होते हैं वो हमारे लीवर में आएगा डिजोल्व नहीं हो पाता, वो लीवर में भी गड़बड़ करता है, जब लीवर में वो एब्जॉर्ब होगा तो आगे हमारे डायबिटीज की शिकायत होगी। तो मैं साफ तौर पर ये संदेश यहां पर देना चाहता हूं कि ऐसे गलत कॉम्बिनेशन बिल्कुल ना लें। अगर कोई भी फैट हम खा रहे हैं, चाहे हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, किसी शादी ब्याह में हम कोई फैटी चीज खा रहे हैं, उसका भूल कर भी हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। 10-15 मिनट के अंदर हम गर्म पानी ले लें, गर्म दूध ले लें, गर्म चाय ले लें, गर्म कॉफी ले लें, ताकि वो जो हमने एक्स्ट्रा फैट ले लिया, एक्सेस फैट ले लिया है, वो डिजोल्व हो जाए हमारी बॉडी में और वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से खासकर युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि इस जो भयंकर जो कॉम्बो है, ये खतरनाक कॉम्बो है,
इससे बचें और कभी भी फैटी चीजों के साथ कोल्ड ड्रिंक ना लें। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए मोटापे का आज हम जिक्र कर रहे हैं, मोटापे पर बात कर रहे हैं, किस तरह से हमें बचना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, खान पान को किस तरह से बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मोटापा होता है वो जीन्स में होता है, जेनेटिक होता है, तो ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए ये बात किसी हद तक सही है कि मोटापा जीन्स में होता है, लेकिन हम उसको भी बदल सकते हैं। होता क्या है आमतौर पे कि एक घर में ट्रेंड है कि भाई वहां पर फैटी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, तो घर में सभी लोग फैटी हो जाते हैं, तो उसमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी उसमें फर्क आता है। पर मैं ये कहता हूं अगर उस घर का एक मेंबर भी उस फैटी खाने के रूटीन से अलग होकर अगर नॉर्मल खाना खाता है, मान लिया वो एक बच्चे को हॉस्टल में भेज देते हैं, वहां पर उसे नॉर्मल खाना मिलता है जिसमें के एक्स्ट्रा फैट नहीं है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ जीन्स की बात नहीं है, जीन्स के साथ साथ हम जो डेली खाना खा रहे हैं उसके ऊपर भी बात है। आमतौर पर हम इस चीज को जेनेटिक मान लेते हैं कि भाई सारे घर में मोटे मोटे, पर अगर उस घर में भी एक पीढ़ी आज की तारीख से अगर ये संकल्प कर ले कि हमने एक्सेस फैट नहीं खाना है, हमने नॉर्मल फैट का हाई फाइबर वाला खाना खाना है, प्रोटीन और विटामिन वाला खाना खाना है, तो आज से ही सब लोग स्वस्थ होते चले जाएंगे, उनका मोटापा कम होता चला जाएगा। तो हम ये कहकर नहीं बच सकते कि जीन्स का प्रभाव है इससे मोटापा कम नहीं होगा। ये एक मैं कहता हूं कि खाम खा का बना हुआ ऐसा हुआ कि जिससे हम बच जाए कि भाई हमारे मोटापे के लिए वो जिम्मेवार कुछ जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल, इसके जिम्मेवार हम ये भी मैं जीन्स पे नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आजकल जिम जाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, फिटनेस पर बहुत ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, तो क्या आज के युवाओं को जिम जाने की जरूरत है या योगा की तरफ बढ़ने की जरूरत है? अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए बॉडी पे तो आप जिम ज्वाइन करें या योगा करें? देखिए योगा और जिम थोड़ा सा अंतर है दोनों में। योग को हम क्या मानते हैं कि सबसे पहले तो हम आते हैं जो सूक्ष्म योग है, कपाल भांति है, अनुलोम विलोम है, उसमें हम कोई फिजिकल एक्टिविटी एज सच नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी सांसों के जरिए हम शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं योग आसनों पर, तो योग आसनों में भी हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जिम अगर जा रहे हैं वहां पर भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, अगर हम घर में जॉगिंग भी कर रहे हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी है, अगर हम कोई आउटडोर गेम खेलें तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जिसको जो चीज सूट करे, अगर कोई गरीब घर का बच्चा है, अव्वल तो गरीब घर का बच्चा मोटा नहीं होगा, पर हम कहते हैं गरीब घर का बच्चा अगर किसी तरह मोटा हो भी गया है और वो जिम अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो भी पार्क में जाके रनिंग करे, वॉकिंग करे, वो जॉगिंग करे, तो उसको भी जिम जितना ही फायदा मिलेगा। मतलब जितना फायदा जिम से लेते हैं उतना ही फायदा अगर हम पार्क में भी जाएंगे वहां पर अगर हम ये फिजिकल एक्टिविटी करें उतना ही फायदा हमें बगैर जिम के भी मिल सकता है। आयुर्वेदा में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि फैट कटर के रूप में यहां पर आपकी बॉडी पर असर डालती है? जी त्रिफला है, मेदोहर गुग्गल है, और इसके अलावा रासनादी कुआत है, ये सारी चीजें हमारे फैट को बर्न करने वाली हैं। और बाकी जो डेली रूटीन की चीजें जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मेथी है, दालचीनी है, इसके अलावा काली मिर्च बड़ी छोटी सी चीज है। त्रिकटु हमारे यहाँ तीन चीज मानते हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, ये मसालों में डेली अपने घर में डालते भी हैं, लेकिन ये फैट को बर्न करने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ऐसी चीजें हम अपने भोजन में प्रयोग करें, रात को हम त्रिफला भिगो के रख दे पानी में, सुबह उठ के त्रिफला का पानी पिए, नींबू का पानी पिए, मेद और गुग्गल है, त्रिफला गुग्गल है, ऐसी औषधियां डेफिनेटली हमें बहुत जल्दी मोटापे से मुक्ति दिला सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए
आयुर्वेदा में मोटापे का इलाज है जैसे कि आप बता रहे हैं, मोटापे के साथ साथ जो बीमारियां घर कर लेती हैं शरीर में, आयुर्वेदा में क्या मोटापे के साथ साथ उसका भी इलाज साथ में चल सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो बीमारी मोटापे से शुरू हुई है, आप देखिए कि मोटापे के वजह से जो हमने एक्स्ट्रा फैट ले लिया है, हमारी आर्टरीज में फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसे ब्लॉकेज होगी, दिल की बीमारियां होंगी, और जब वो फैट सेल्स गड़बड़ करेंगे, डाइजेस्ट कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो हमारे को डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा। तो इन सब बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और एक जो सबसे बड़ी आयुर्वेद की देन है पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्म के माध्यम से हम सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और फिर बॉडी को हम जो है रिजुविनेट करते हैं, पुनर्जीवन। तो अगर हम साल में दो बार, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, 10-15 दिन का पैकेज ले लें और अपनी बॉडी को पंचकर्मा थेरेपी के माध्यम से डिटॉक्सिफाई करके स्वस्थ रखें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, वस्ती, ये 5 क्रियाएं आती हैं। तो उसमें हम सबसे पहले स्नेहन यानी औषधि से सिद्ध तेल, मेडिकेटेड ऑयल से बॉडी की मसाज करते हैं। उसके बाद फिर हम स्वेदन यानी पसीना शरीर को दिलाना, वो चाहे स्टीम बात है, सोना बात है, उसके माध्यम से कराते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, और जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, शरीर के विष बाहर निकल जाएंगे, शरीर से जहर बाहर निकल जाएगा, तो जो कुछ हमने खाया है, जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह हम ले रहे हैं, जो हमारे सिस्टम को गड़बड़ कर चुका है, एक बार हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया, तो वो चीजें फिर जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ हमें मिल जाएंगी, हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि साल में एक बार नहीं, दो बार अगर संभव हो तो, नहीं तो मिनिमम एक बार आप जरूर 10-15 दिन के लिए पंचकर्मा थेरेपी कराएं। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आजकल का ट्रेंड चल गया है कि लोग मोटापे को कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी चीजें अपना रहे हैं, कई ऐसे फैट कटर मार्केट में आ गए हैं कि आप ये इस्तेमाल करिए तो आपका बॉडी फैट खत्म हो जाएगा, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है बिना डॉक्टर के कंसल्ट के? दूसरी बात यह है कि आजकल लोग सर्जरी का सहारा ले रहे हैं, ये आपकी बॉडी के लिए कितना खतरनाक है? बहुत सारी हमने यहाँ पर खबरें सुनी है कि जब आप अपनी बॉडी की सर्जरी कराने गए हैं तो कई बार लोगों की मौत भी हुई है। जी देखिए, बैरियट्रिक सर्जरी ठीक है, एकदम जाते आपके शरीर से काफी किलो फैट बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन कोई भी प्रोसीजर किसी के लिए भी सेफ हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जैसा आपने बताया कि काफी लोगों की मौतों के केसेस सामने आए हैं, तो क्यों ना हम सेफ तरीका चुनें, क्यों ना हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, क्यों ना हम अपने डाइट में चेंज करें, क्यों ना हम पंचकर्मा थेरेपी कराएं, और एक स्वस्थ जीवन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उन पर चलकर अपने आप को स्वस्थ रखें। तो डेफिनेटली हम सर्जरी जैसी चीजों से बच सकते हैं और एक बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपना वेट कम कर सकते हैं, अपनी जीवन को लंबा बना सकते हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके। अच्छा, डॉक्टर कई बार हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हुए हेल्दी फूड ले रहे हैं, आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं तो आपको वेट कम करने की जरूरत है या फिर आपको सही खान पान की जरूरत है? लोग जाते हैं जिम में, पसीना बहाते हैं, सिर्फ अपने वेट को कम कर लेते हैं, अपने आप को अंदर से हेल्दी नहीं रखते, तो इस अंतर को किस तरह से हम समझ सकते हैं? यहाँ पर दो बातें मैं कहूंगा। पहली तो ये कि जिम में पसीना बहाने से बढ़िया है कि आप बाहर पार्क में दौड़ें, पार्क में भागें, पार्क में फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि वहां पर आपको फ्रेश एयर मिल रही है और पूरी बॉडी की वहां पर जो है आपकी एक्सरसाइज हो रही है। जिम में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे वो कहते हैं कि इससे आपकी बॉडी के फलाने जगह का फैट कम होगा। तो क्यों हम संपूर्ण शरीर के लिए एक्सरसाइज करें, बाहर पार्क में करें, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरी बात यह है कि जो इस टाइम हमारे शरीर में, चूंकि मोटापा से शरीर में कमजोरी आती है,
हम जितनी कैलोरी लेते हैं इतने भारी शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि हर सेल को कैलोरी की जरूरत है जी। हमने अपना वजन बढ़ा लिया है तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा कैलोरी लेंगे तो मोटापा और बढ़ जाएगा, तो एक साइकिल ऐसी बन जाती है कि जिससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जब हमने निश्चय कर लिया है कि हमने अपना मोटापा कम है सुरक्षित तरीके से करना है, तो हम जिम ना जाके, क्योंकि वहां तो आपको एक पसीना बहाने के लिए इतना टाइम के आपने इतने घंटे एक्सरसाइज करने, वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि जो हमने अपने शरीर को इतने निठल्ला बना लिया है उससे हमारे दिल की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। तो जो जिम में हम पसीना बहा रहे हैं वो समय और वो उतनी एक्सरसाइज हमारे दिल के लिए घातक हो सकती है। आजकल समाचार आ रहे हैं कि लोग जिम करते हुए गिर पड़े, मौत हो गई। बिल्कुल, आप भाषण दे रहे हैं, आपको भाषण करते करते गिर गए, आप खत्म हो गए। ऐसी चीजों से बचाव के लिए सीधी सी बात है कि हम जिम के बजाय पार्क में जाएं और अपन देखें कि जहां पर हमारा सांस फूल गया है वहां पर काउंट करें, उसके बाद एक मिनट हम एक्सरसाइज करें, अगले हफ्ते हम उसके सांस फूलते हुए दो मिनट एक्सरसाइज करें, अगले हफ्ते हम तीन, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाएं ताकि हमारे दिल की जो मांसपेशियां हैं वो उतने मजबूत हो जाए और उतना जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको बियर करने के लिए तैयार कर लें शरीर को। बिल्कुल, और दिल इसके को अलावा, तो वो एक सुरक्षित तरीका है जी। इसके अलावा ये भी कारण रहे हैं कि मोटापा सिर्फ खान पान से नहीं, तनाव से, नींद कम आने से भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था, आपने सवाल पूछ लिया बीच में। आजकल मैं कहूंगा 90% से ज्यादा लोग स्ट्रेस में हैं जी। पहले अपने बच्चे को हम 6 साल का होता तब स्कूल भेजते थे, आज से 20-25-30 साल पुरानी बात अगर हम करें तो बच्चा खेलता था, कूदता था, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता, सर्वांगीण विकास उसका होता था बच्चे का। आजकल हमने क्या कर दिया है, 2-2.5 साल के बच्चे को हमने प्ले स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और वहां पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता, बच्चा खुल के खेल भी नहीं सकता है। बताते हैं कि वहां पर ये एक्टिविटी कराई जा रही है, वो एक्टिविटी के बच्चों को प्ले में जो इन्वॉल्व किया जा रहा है, पर अगर हम सही में देखें तो वहां बच्चे को हम कितना स्वस्थ वातावरण प्रदान कर रहे हैं ये सोचने का विषय है। तो हम घर में बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ये जो प्रवृत्ति हमें आ गई है कि 2.5 साल के बच्चे को हम प्ले स्कूल में भेजें, उस पर सरकारों को भी सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर हर इंसान को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा आज अगर स्ट्रेस में आ रहा है तो भविष्य में उसके शरीर पर, यानी हमें स्ट्रेस दिमाग पर उसका क्या असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और शुरू से ही ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम ऐसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। उम्मीद है कि ये जो एपिसोड है वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि मोटापे का शिकार लोग हो रहे हैं, उस पर भी कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो एपिसोड है वो पसंद आएगा, जो आपके सवाल थे उनका जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए और बाकी जो दूसरे तरीके हैं उन्हें ना अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाना बेहद जरूरी है, एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, योग करना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए हेलो डॉक्टर के साथ।